गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम वीकली मार्केट अपडेट वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है एंड दिस इज गोइंग बी अ मेगा मेगा मास्टरमाइंड क्योंकि यही सेशन हमारे वन ईयर स्टूडेंट्स को जाता है विच वी कॉल एज मास्टरमाइंड। अब ये मास्टरमाइंड वीकली मार्केट अपडेट होता क्या है जो अगर आप नए हो चैनल पर तो आपको मैं पहले से दिखा दूँ कि ये इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच इसमें हम देखते हैं कि पिछले हफ़्ते क्या क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या हो सकता है और ये जो हफ़्ता था काफ़ी इवेंटफुल था क्योंकि मंथ अक्टूबर है और अक्टूबर का अपना एक बैकग्राउंड है जहाँ पे हमेशा अक्टूबर ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है टाइम साइकिल्स को स्टडी करें मंथली साइकिल्स को स्टडी करे तो और उसने अपनी वॉलिटिलिटी पहले ही बता दी पहले पाँच दिन में तो चलिए देखते हैं इस मंथ में और क्या हो सकता है निफ्टी और कितना गिर सकता है कहाँ पर सपोर्ट है और क्या ये मेजर करेक्शन है या एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है सो लेट्स स्टार्ट अवर मास्टर माइंड राइट सो वॉट इज़ मास्टर माइंड वे वी लुक एट वर्ल्ड मार्केट कमोडिटीज मार्केट इंडियन मार्केट सेक्टर मार्केट प्राइमरी मार्केट

तो आप जितना सपोर्ट करोगे जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है ताकि हम जल्द से जल्द मिलियन पहुंच सके और एक बड़ी फ्री ट्रेनिंग कर सके आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो सो नाउ लेट स्टार्ट विथ वॉट इज़ टॉप डाउन अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले हम सैटेलाइट व्यू देखते हैं सैटेलाइट व्यू मतलब दुनिया में क्या हो रहा है ऊपर से एकदम ऊपर से राइट सो वर्ल्ड मार्केट कमाडी मार्केट करेंसी मार्केट ये देन कम्स द हेलीकॉप्टर व्यू विच इज़ बेसिकली द इंडियन मार्केट निफ्टी क्या कर रहा है बैंक निफ्टी क्या कर रहा है सेंसेक्स क्या कर रहा है देन वी कम टू द सेक्टर व्यू सेक्टर मतलब फार्मा चल रहा है आई टी चल रहा है ऑटो चल रहा है या एफ एम सी जी चल रहा है और उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक व्यू जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए राइट सो दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच एंड आई इज ऑलवेज से अगर ये अप्रोच करोगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएगी क्योंकि सबसे पहला जो एडिशन uh, होती है जब से पहली जो हर्डल होती है वो है स्टॉक कौन सा खरीदे क्योंकि तीन हज़ार स्टॉक है मार्केट में और अगर मुझे सही स्टॉक सेलेक्ट करना है तो कैसे करना चाहिए और ये उसका सबसे बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है कॉल टॉप डाउन अप्रोच तो चलिए टॉप डाउन अप्रोच करते कैसे वो देखते हैं तो पहले वर्ल्ड मार्केट से शुरू करते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमारा जो एक ही टूल है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है आर नीचे जो स्पीडोमीटर है और ऊपर वॉलेटेटी जो है बॉल बैंड बस ये दोनों से हमको पता चल रहा है कि वॉलीटिलिटी ज़्यादा है या कम है या मोमेंटम ज़्यादा है या कम है या दोनों एक साथ है तो so आप देख रहे हो कि मंथली वीकली और डेली चार्ट तीनों चीज चार्ट सिक्सटी के ऊपर है जोन्स में इतनी कोई बड़ा बड़ी गिरावट नहीं आई जो भी वॉर सिचुएशन था या जो भी था उसका ज़्यादातर कुछ असर इसके ऊपर नहीं पड़ा विच इज़ अ ग्रेट साइन सो ये काफ़ी हद तक इसको हम ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि ये बुलिश है या एटलीस्ट बेरिश uh, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि तीनों आर एस आई के ऊपर है देन वी गो टू नेसडैक विच इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे आप देखो वीकली चार्ट भी रेजिस्टेंस पे डेली चार्ट भी रेजिस्टेंस पे ने डैक इज बेसिकली द आई टी स्टॉक्स ऑफ यू एस तो वो अदरवाइज मंथली अभी भी बोले से सो वहाँ पे कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हो रही है देन वी लुक एट एस एन पी फाइव हंड्रेड विच इज वेरी मच आइडेंटिकल टू डाउ जोन्स ना वी लुक एट रेसल टू थाउजेंड विच इज अगेन कंसोलिडेशन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस विच इज बिटवी दैट सिक्सटी फोर्टी ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स सो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है बट अब ये चार्ट मंथली वीकली सिक्सटी के ऊपर और डेली गैप के ऊपर सपोर्ट ले रहा है थोड़ा सा सिक्सटी के नीचे लेकिन इसमें भी ऐसी कोई खास बड़ी बेरिश आइटम बेडी बेरिश पैटर्न या बेरिश चीजें नहीं दिख रही है विच आई थिंक इज अ ग्रेट साइड देन वी लुक एट यूरोक्स अब ये वीकली रेजिस्टेंस पे है जो उसने अपना वीकली रेजिस्टेंस दिखा दिया वीकली प्राइस भी रेजिस्टेंस पे आर भी रेजिस्टेंस पे है, और डेली तो so ये कंसोलिडेशन जोन बोला जा सकता है लेकिन इसका भी मंथली बुलिश है देन वी लुक एट यूके विच इज ऑल थ्री ऑलमोस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन मंथली फिर भी बुलिश बट बाकी सब साइडवेज है राइट देन वी लुक एट जपान विच इज लुकिंग लाइक गोइंग अप और डेली अभी सिक्सटी पे है बट वो ग्रीन कैंडल दिख रहा है कि ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है वीकली भी सिक्सटी की तरफ जा रहा है मंथली तो सिक्सटी के ऊपर ही है विच इज अ ग्रेट साइन देन वी लुक एट कॉस्फी विच इज़ ऑल थ्री आर एस आई बिटवीन फोर्टी सिक्सटी तो इसको भूल जाओ साइडवेज देन वी लुक एट हैंग सेंग डेली चार्ट एक जबरदस्त लाइक रॉकेट टाइप मूव आया है और वीकली चार्ट भी सिक्सटी के ऊपर निकल गया और मंथली भी निकल गया आपने देखा कि हम जब से ये मैस्टर माइंड कर रहे हैं हमने का लास्ट कुछ महीने पहले देखा था कि हैंंगसेंग ने डबल बॉटम बनाया था मंथली चार्ट पे और वहाँ पे 40 सपोर्ट था वैल्यू बाय था और वहाँ से धीरे धीरे करके अब 60 तक पहुँच गया और वीकली 60 के ऊपर निकल गया और डेली 70 के 80 के ऊपर निकल गया सो so, ऐसे धीरे धीरे बॉटम बना के दिस डेफिनेटली लुक्स बुलिश विच इज द एशियन मार्केट एंड चाइना कुछ तो बड़ा धमाका वहाँ पर हो रहा है और uh, कुछ बड़ी न्यूज़ बड़ी इंफॉर्मेशन बड़ी पॉलिसी चेंज बिग ट्रेंड लाइन ब्रेक ऑन द मंथली चार्ट बिग लाउड मूव ऑन डेली वीकली चार्ट देखो नीचे मतलब थर्टी वाला सीधा के ऊपर निकल गया दो हफ्ते में वॉट डिसउड मूव ऑन मार्केट एंड डेली पे रॉकेट की तरह मतलब यू कैन सी स्क्वीज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम मतलब दिस इज डेफिनेटली वेरी बुलिश राइट इसमें कोई दो दो राय नहीं है राइट सो हमने देखा कि वर्ल्ड मार्केट ज्यादातर बुलिश और रेजिस्टेंस पे है और एशियन मार्केट स्पेशली चाइना चाइनाग इज स्ट्रांगली बुलिश राइट दैट्स वॉट वी सी ना वी लुक एट कमोडिटीज कमोडिटीज में गोल्ड ऑल टाइम हाई के नज़दीक है वहीं वहीं पर कंसॉलिडेट कर रहा है एक छोटी सी बैरिश पैटर्न है स्पिनिंग टॉप बट बाकी कोई खास प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है तीनों आर एस आई सिक्सटी के ऊपर सिल्वर रेजिस्टेंस पे है बट प्राइज वाइज रेजिस्टेंस पे है बट आर एस आई वाइज बुलिश है सो so वहाँ पर भी कोई साइंस मेजर नहीं है कॉपर बुलिश हो रहा है और आप देख रहे हो कि वो वीकली सिक्सटी पे आके रुका है सो इफ इट क्रॉसिस दैन कॉपर विल बी गुड ब्रेंड क्रूड वो थोड़ा सा ऊपर आया मंथली फोर्टी सपोर्ट वैल्यू बाय वीकली में लाउड मूव और डेली सिक्सटी के ऊपर सो so तो ये थोड़ा सा मूव ऊपर आ सकता है विच आई थिंक लुक्स लाइक अ गुड स्विंग ट्रेड डॉलर इंडेक्स भी ऊपर आया नाउ दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट दैट्स वाई वी हैव अ करेक्शन गोइंग ऑन बट दैट्स दैट्स द मार्केट विच इज ऑप लाइक what वट वट वर्ल कॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नाव कम्स द इंडियन मार्केट अब यहाँ पे देखा कि कुछ भी बड़ी साइन नहीं है एक्सेप्ट क्रूड और डॉलर में थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट है बाकी सब मार्केट्स तो स्टडी है या बुलिश है राइट नाव ना विथ दिस परस्पेक्टिव यू कम टू द एरियल व्यू सॉरी हेलीकॉप्टर व्यू विच इज निफ्टी निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है मंथली सुपर बुलिश वीकली सिक्सटी सपॉर्ट और डेली कहाँ पर आ रहा है जी एफ एस जी एफ एस के नज़दीक है राइट right? मतलब मेजर सपोर्ट आ सकता है सिक्सटी वन परसेंट इंटरेस्टमेंट भी आ सकता है लास्ट टाइम वो अगस्त में फोर्टी सपोर्ट पे आया था उसके पहले वो जून फोर्टी सपोर्ट पे आया था आपको याद होगा इलेक्शन का जो बड़ा मूवमेंट हुआ था उसने भी फोर्टी सपोर्ट लिया था मैं आपको अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप चेक करो तीन चार और पांच जून का आर क्या था डेली पे और आप देखोगे कि वो कैसे एग्जैक्ट फोर्टी पे आया जी एफ ट्रेड पे फिर ऑगस्ट को वापस फोर्टी पे आया अब ये तीसरी बार आ रहा है क्या ये इस बार चलेगा या नहीं चलेगा या यहाँ पे स्टॉप लेगा नहीं लेगा वो हमको कल ही पता चलेगा जब मार्केट खुलेगा मंडे को बट बाकी सारी सिचुएशन हेलीकॉप्टर व्यू और सेटेलाइट uh, व्यू देख के लगता है कि ज़्यादा तकलीफ और नहीं होनी चाहिए यहाँ पे हॉल्ट होना चाहिए यहाँ पे पॉज लेना चाहिए यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए सपोर्ट लेने के बाद वो क्या कर रहा है वो देखना है राइट right? सो so, अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो वी हैव टू बाय और वी हैव टू बी इन्वेस्टिंग इन द स्ट्रॉग स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में ट्रेंड खराब हो चुका है बट वीकली मंथली अभी भी स्ट्रांग है तो मतलब खाली शॉर्ट टर्म में अगर वापस यू टर्न मार ले तो फिर से हम बुलिश जोन में जा सकते हैं विच वी विल कम टू नो इन द कमिंग वीक बट वी हैड अ गुड अप ट्रेंड एंड अ गुड डाउन ट्रेंड इन द लास्ट फ्यू डेज विच गिव यू गुड अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने सारे पोस्ट करते हो फेसबुक पे और बताते हो कि इतने सारे बूम मैसेजेस लॉन्ग में भी किए शॉर्ट में भी किए विच इज सो ग्रेट आई शो यू सम ऑफ देम राइट नाउ दिस इज वॉट निफ्टी इज बट इसमें जो मैंने लास्ट वीक बताया था एक बहुत बड़ी बेरिश पैटर्न है विच इज कॉल्ड इवनिंग स्टार और उसकी इफेक्ट भी काफ़ी आ गई जोर से तो वापस ऊपर भी जाएगा तो गैप का रेजिस्टेंस है सिक्सटी रेजिस्टेंस है तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट राइट अब कुछ कुछ कमेंट थे बताया कि जब लास्ट टाइम मैंने कुछ ट्यूजडे टेक्निकल टॉक में बताया था कि ये इवनिंग स्टार है खतरनाक पैटर्न है रिवर्सल हो सकता है ध्यान रखना तो किसी का एक कमेंट था सर लास्ट वीक तो आप बुलिस्ट थे अभी बैरिश हो गए तो वही और वो खासियत है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट वो आप में होनी चाहिए क्योंकि लास्ट वीक बुलिश था उसके पहले वाला और उसमें कोई साइंस नहीं थी बट अभी इवनिंग स्टार दिखा तो मुझे बरिश होना पड़ेगा दैट्स वॉट मैं बोलता हूँ ना गिरगिट की तरह कलर बदलना पड़ेगा क्योंकि बुलिश से बैरिश अगर आप चार दिन भी लेट हो जाते हो बारिश होने में तो आपका तो छः सौ पॉइंट निफ्टी निकल गया मार्क टू मार्केट निकल गया लॉस भी हो सकता है सो यू हैव टू बी फ्लेक्सीबल यू नीड टू बी जैसे so, बोलते ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो कहावत गलत है एक्चुअली द रियल कहावत क्या बताए सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल मोस्ट अडेप्टेबल मतलब जो सिचुएशन के साथ बदल सके अपने आप को चलिए लास्ट वीक पूरा बैरिश था इवनिंग स्टार है बट अगर कल वापस बुलिश हो गया और फोर्टी सपोर्ट लिया तो जीएफएस एक्टिव हो जाएगा तो फिर मैं फिर से बुलिश होने की कोशिश करूंगा और अगर सिग्नल मिलता है तो क्यों नहीं सो दिस इज वॉट द मार्केट इज ऑल अबाउट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फ्रॉम बुलिश टू बैरिश क्विकली तेईस तो एकदम स्मूथ था बुलिश 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 वन साइड मार्केट लेकिन चौबीस ऐसा नहीं है इसीलिए हमको अपना कलर बदलना पड़ेगा सो आई थिंक आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मैं तो कलर बदलूंगा आप भी बदलो जल्दी से राइट देन गो टू बैंक निफ्टी ना बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि जो इवनिंग स्टार पैटर्न है वो वीकली पे बन रहा है और वहां पे एक छोटा सा डाइवर्जेंस भी है तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है अब खाली एक ही होप है वो है 40 सपोर्ट 40 पे आया तो ये भी जी एफ एस बनेगा मतलब और एक दिन नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है अभी फोर्टी टू फोर्टी थ्री पे है सो विच इज़ वी कैन वेट फॉर दैट टू कम टू फोर्टी एंड सी वेदर इट टेक सपॉर्ट और नॉट वहाँ पे सिक्सटी वन परसेंट रिट्रेसमेंट भी है वहाँ पे सी आई पी है सो so, वापस बाउंस करके एटलीस्ट वो गैप तक तो जा ही सकता है एंड देन वील सी कि फर्दर फिर से एक नया डाउन ट्रेंड बन रहा है कि चलो डाउन ट्रेंड खत्म सो so, ये अगला जो वीक है इज इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ विच विल कन्फर्म दैट वेदर इट्स अ रिट्रेसमेंट और इट्स बिकमिंग अ रिवर्सल एंड सेकेंड इज़ उसके बाद एनिवर्सरी वीक है उसके बाद यू एस इलेक्शन है दिवाली है सो इट्स गोट बी एन इवेंटफुल दिवाली फॉर अस एंड आई एम प्लानिंग टू डू फ्री ट्रेनिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज़ फॉर जैसे हम सोच रहे हैं कि मोहरत स्पेशल होता है महूर्त के दिन में बहुत सारे टी वी शोज पर जाता हूँ और वहाँ पर मोहरत स्पेशल पिक्स महूरत स्पेशल स्ट्रैटी डिस्कस करता हो सेक्टर डिस्कस करता हो तो इस बार सोच रहे हैं कि हम आपके लिए सबके लिए सब सब्सक्राइबर्स के लिए सब दिवाली गिफ्ट की तरह एक मोहरत स्पेशल ट्रेनिंग करें फ्री में अगर आपको चाहिए मोहरत स्पेशल तो प्लीज नीचे कमेंट्स में बताएं क्या सीखना है इस मोहरत स्पेशल में ताकि हम उसको प्लान कर सके दिवाली के दिनों में ताकि आप उसको सीख के मोहूर्त के दिन कुछ अच्छा ट्रेड अच्छा एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके राइट सो विल टॉक अबाउट दैट नाउ लेट्स गो सेक्टर वाइज सेक्टर वाइज में आई टी सेक्टर अब मंथली वीकली ठीक है लेकिन डेली थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है या तो 40 पे खरीदना है या तो 60 क्रॉस होगा तो खरीदा तो लेट्स वेट फॉर दैट देन ऑटो सेक्टर ऑटो सेक्टर में एक बड़ा बुल ट्रैप एक लाउड मूव गैप डाउन मतलब एक लाउड मूव हो गया वो बता रहा है कि अभी थोड़ा मैं आराम करूंगा बहुत तेज़ी से भाग रहा था ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल से भाग रहा हूँ नीचे से डबल हो गया तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा टाइम स्पेंड uh, करेगा and so we need to be careful about it, right? so you can see that monthly RSI went up to almost, uh, uh, which is like almost 90 RSI on monthly chart, huh? 90. remember मंथली चार्ट नाइन्टी रिमेंबर जो basic RSI एस आई देखते हैं सीखते है अभी भी जो मैं पहले सीखता था वो बोलते हैं 70 ओवर अबाउट होता है लेकिन 70 के बाद तो एक्चुअल गेम शुरू होता है और 90 तक आ जाता है सो लेट्स नॉट गेट इन टू ऑल दैट फोकस ऑन सिक्सटी फोर्टी वन कोच वन अप्रोच सो ऑटो सेक्टर कंसोलीसन मोड में जाएगा क्योंकि वो लाउड मूव है गैप डाउन है सो वी आर टू बी केयरफुल मेटल इतनी गिरावट के बाद भी नहीं गिरा निफ्टी में बैंक निफ्टी में तो अभी भी वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन सो अगला वीक अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो मेटल फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा बिकॉज दिस इज एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर राइट देन वी लुक एट एफ एम सी जी वहाँ पर भी जी एफ एस पे आके रुका है सो लेट्स सी वेदर इट टेक सपोर्ट और नॉट इफ इट ब्रेक्स देन वी एग्ज इट आवर लॉन्ग पोजिशन ऑल्सो अवर कैश पोजिशंस फॉर द टाइमिंग सो दैट बाद में वापस एंटर कर सके एनर्जी साइडवेज बोलेंगे इसको एक्चुअली थोड़ा सा मल्टीपल डाइवर्जेंस है ऑन द वीकली चार्ट और डेली पे फोर्टी सपोर्ट है विच इज अ गुड साइन बट इट्स नॉट द बेस्ट सेक्टर टू गो लॉन्ग राइट ना और शॉर्ट करना है तो वी हर टू वेट फॉर दैट सपोर्ट टू ब्रेक सो इट्स लाइक अ नो ट्रेड जोन फॉर अस फार्मा अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आ, काफी कंसोलिडेट कर रहा है वो साइड चल रहा है लास्ट कुछ दिनों से सो ब्रेकआउट ऑन आईदर साइड अपर साइड पे होगा तो वील वेट फॉर दैट ब्रेकआउट इंफ्रा लाउड मूव और फोर्टी सपोर्ट होल्ड करता है नहीं करता है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनेगा अगर आप ड्रॉ कर सकते हो ट्रेंड लाइन वहाँ पे सो वी कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन फ्रॉम लास्ट फोर बॉटम्स ऑन डेली चार्ट या दैट्स द वन अब ये बराबर से बनानी है बट दैट्स वेयर द ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी इफ इट ब्रेक्स देन वी कैन हैव सम मोर ट्रबल इन इंफ्रास्ट्रॉक्स देन वी हैव रियाल्टी विच इज अगेन देखो वीकली चार्ट जो है ना ये वाला दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन दैट से इज लोअर टॉप दैट से इज सिक्सटी राइस वीकली चार्ट डायर्जेंस एंड ब्रेकिंग गोइंग एवरेज ये ठीक ठाक है फार्मा वीकली चार्ट एनर्जी सेवर्जेंस एंड गोइंग डाउन विथ मल्टीपल डाइवर्जेंस सो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट साइन सो देर इज समथिंग डेफिनेटली कुकिंग बिहाइंड सीन्स वी नीड टू बी अवेयर थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना चाहिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लॉन्ग करना मुझे लगता है आसान नहीं होगा और प्रॉफिट बुकिंग जहाँ जहाँ पे मिलता है वहाँ पे करना चाहिए और लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए तैयार होना चाहिए स्विंग ट्रेड मोड में आना चाहिए एक पोजिशनल ट्रेड से निकल के स्विंग ट्रेड में आना चाहिए दैट्स वॉट द मार्केट इज सजेस्टिंग राइट नाउ एंड इफ यू नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग जस्ट सिट क्वाइट एंड वॉच हर रोज ट्रेड करना हर हफ्ते ट्रेड करना हर महीने ट्रेड करना जरूरी नहीं है जब माइंडसेट सही हो स्ट्रेटेजी सही हो रिस्क मैनेजमेंट सही हो सेटअप भी सही हो एंट्री एग्जिट भी बराबर है रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी सही है तब का ट्रेड करना है नहीं तो आराम से देखो कोई कुछ भाग नहीं जा रहा एक ट्रेंड खत्म होएगा दूसरा ट्रेंड शुरू होगा यू आर जस्ट वन ट्रेंड अवे राइट सो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टिल वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एज यू कैन सी द इज नो लाउड मूव जस्ट डेली स्लाइटली गोइंग बिलो मूविंग एवरेज सो दिस कुड बी अ स्ट्रांग सेक्टर फॉर दिस वन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेंज शिफ्ट हो गया वीकली पे डेली पे भी विच इज नॉट अ ग्रेट साइंस सो इट गेटिंग इन टू कंसॉलिडेशन जोन मीडिया तो पहले से साइडवेज ही है इतने टाइम से सो so, बचा कुछ नहीं बचा फार्मा एक स्ट्रॉन्ग है खाली और बाकी बाकी सारे करेक्शन मोड में आ रहे सो फार्मा इज़ द ओनली वन विच इज़ शोइंग स्ट्रेंथ एंड मेटल एक है जो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाकी सारे करेक्शन मोड या कंसोलिडेशन मोड या एटलीस्ट हॉल्ट जोन में आ गए सो यू हर टू स्लो डाउन योर एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी मतलब सबसे मेन सेक्टर होता है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ही एडवांटेज है वो है जीएफएस पे आ सकता है और वहां पे सपोर्ट ले सकता है दैट्स दी ओनली थिंग और उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे विच कुड बी अ गुड वन टू बाय इफ द बैंक निफ्टी सरवाइव एंड ग्रोज अप फ्रॉम हियर ओके सो एच बैंक अगेन लाउड मूव ब्रेकआउट फेल फॉल्स ब्रेकआउट बुल ट्रैप डबल टॉप तो इट्स अगेन कंसॉलिडेशन साइडवेज मार्केट मंथली देखो 60 क्रॉस होते होते रह गया तो अभी वापस वो कंसॉलीडेट होगा आईसीआईसीआई बैंक अच्छा दिख रहा था बट वो भी अभी लाउड मूव ब्रेकआउट लेवल के नीचे जरा सा ट्रेड कर रहा है और नीचे गया तो ये भी इसका भी अप ट्रेंड खत्म खतरे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा कंसॉलिडेट कर रहा है लास्ट कुछ दिनों से पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक में अलग अलग ट्रेंड है यू कैन सी दैट क्लियरली स्टेट बैंक इज कंसॉलिडेटिंग एट द बॉटम सो दिस कुड बी अ स्लाइटली डिफरेंट केस एक्सिस बैंक फोर्टी सपोर्ट है बट वीकली देखो रेन शिफ्ट गॉन लोअर टॉप बैंक ऑफ बरोडा नाउ दिस इज द स्टॉक वी हैव दि डिस्कसिंग सिंस लास्ट वीक्स अगर आपको याद होगा तो भले बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गिरा पॉइंट गिरा लेकिन बैंक ऑफ बरोडा लास्ट 15 दिन में 10 परसेंट ऊपर है उसका मतलब क्या बैंकिंग सेक्टर में ये सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है क्लियर और मंथली चार्ट पे वो पी पे सिक्सटी सपोर्ट पे वीकली चार्ट वो फोर्टी सपोर्ट पे वैल्यू बाय पे है डेली चार्ट पे डबल बॉटम बन के ऊपर जा रहा है और डबल अभी डब्ल्यू कंप्लीट किया है और अब वो रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो गया तो डब्ल्यू का टारगेट अचीव कर सकता है सो दिस इज डेफिनेटली लुकिंग लाइक अ बाय सेटअप जो हम काफी दो तीन हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं और देख भी रहे ट्यूजडे टेक्निकल टॉक वीकली में अपडेट सो दिस कैन बी वन एंड द सेकंड वन सिमिलर इज कैन बैंक बट मुझे लगता है बैंक ऑफ बोडा इज बेटर देन कैन बैंक लुक एट द कैंडल पैटर्न देयर एंड द थर्ड इज एच डी एफ सी एम सी जो एग्जैक्ट जी एफ एस पे आके रुका है सो वी लैव टू वेट वी लुक एट आई सी आई सी आई जी आई विच इज ऑल्सो अराउंड जी एफ एस बट अभी मार्केट थोड़ा डामाडोल है तो जी एफ एस भी धीरे धीरे संभाल के करना है एस बी आई लाइफ वी कैन डू अ जी एफ एस देर बट वो रेन शिफ्ट होने के बाद आ रहा है सो वी माइट है ना ये उल्टा चल रहा है वहाँ पे नीचे नीचे डाइवर्जेंस बन रहे नीचे नीचे uh, बॉटम्स हायर हायर बॉटम्स आर एस आई में बन रहे हैं रेंज शिफ्ट हो रहा है ग्रीन कैंडल्स है एग्जॉशन वॉल्यूम है सी आई पी ऑन मंथली चार्ट है सिक्सटी सपोर्ट है वीकली फोर्टी सपोर्ट है सो so, ये और पी एन बी दो ऐसे स्टॉक ये और बैंक ऑफ बरोडा दो ऐसे स्टॉक है जो काफी अच्छे सपोर्टर सेटअप्स बता रहे लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसके ऊपर का जो एरियल व्यू है विच इज़ द बैंक निफ्टी चार्ट हैज टू इम्प्रूव हैज टू चेंज गो अप देन दिस आर द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय बट

दिस इज़ अ ट्रेडर इन मी मास्टर माइंड यह रेगुलर मास्टर माइंड या वीकली मार्केट अपडेट नहीं है आज मुझे बहुत आलस हो रहा है इसलिए क्योंकि आज सुबह से मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे सेशन तो मुझे एक वीकली मार्केट अपडेट एक मास्टर माइंड अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करना था तो मैंने सोचा बड़ा मास्टर माइंड रिकॉर्ड करते और सबके लिए करते विच इज गोइ टू बी फॉर ऑल यू गाइज ऑन यू ट्यूब ऑल्सो एंड ऑल यू ट्रेडर मी स्टूडेंट्स ऑल्सो आई होप यू अप्रीशिएट दैट एंड पुट द कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद मनी पीपल दैट हाउ यू डू एनालिसिस राइट निफ्टी मैटर आई जन दिस इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इतना निफ्टी गिरा बैंक निफ्टी गिरा इसको कुछ नहीं हुआ मतलब क्या आउट परफॉर्मिंग मतलब क्या ये बेस्ट सेक्टर है बाय करने के लिए आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स स्टॉक्स टू बाय अंडर परफॉर्मिंग सो वी डी एल अभी भी कप के ऊपर है अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर है अभी भी सिक्सटी के ऊपर है ना कोई बैरिश कैंडल है बैरिश कैंडल है भी तो उसके अंदर बैरिश वॉल्यूम नहीं है मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है बैंक निफ्टी नीचे जाए निफ्टी नीचे जाए या वॉर सिचुएशन हो गया या उसको सेबी ने नया रूल्स निकाल दिया एफ का उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब वो बुलिश है एन इट्स लाइक अ सिक्सटी सपोर्ट ऑन डेली वीकली फोर्टी सपोर्ट मंथली सिक्सटी के ऊपर मेटल सेक्टर ग्रेट देन हिंडाल को ग्रेट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट के साथ सिक्सटी के ऊपर तीनों सिक्सटी के ऊपर मतलब ये सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो गया हमारे लिए आई टी सेक्टर चलो इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इस पर खास दम नहीं अगर हमारे पास एक अच्छा सेक्टर आ गया जो कि है मेटल तो देन वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट राइट एंड को उसके अंदर विच इज अराउंड द ब्रेकआउट लेवल सो दिस इज द स्ट्रांगेस्ट स्टॉक आई कैन सी इन आई सेक्टर टी ऑलमोस्ट नाई आई वॉन्ट से जी एफ एस बट डबल बॉटम स्विंग ट्रेड के लिए डबल बॉटम इन साइड आउटसाइड ऑन डेली चार्ट मंथली एट सी आई पी विच इज ग्रेट परसिस्टेंट लाउड मूव सो अवॉइड लाल कैंडल लाल वॉल्यूम अवॉइड एच सी रेन शिफ्ट अवॉइड एल टी आई एम रेन शिफ्ट अवॉइड और रेजिस्टेंस भी है निफ्टी ऑटो लाउड मूव मतलब अभी थोड़ा हॉल्ट करेगा थोड़ा आराम करेगा भाई बहुत हो गया देखो उसके पहले भी एक लाउड मूव है गैप डाउन खुल के जो बड़े रेड कैंडल्स है उसके बाद देखा उसने वो धीरे धीरे करके ऊपर आया सिक्सटी से अटक के वापस नीचे आ गया तो कंसॉल्ट कर अभी भी वो ऊपर आएगा तो धीरे धीरे करके आएगा सिक्सटी पे अटक जाएगा लाउड मूव के बाद हमेशा आर एस आई सिक्सटी पे अटकता है मार्केट सो दैट्स अ गुड नगेट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट सो दैट अभी इसको थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी करना है एम एन एम अब एम एन एम अगर ऑटो सेक्टर पूरा लाउड मूव है तो एम एन एम में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है क्योंकि वो अभी भी सी आई पी लेवल पर अगर सपोर्ट लेता है और चलता है देन वील सी वेदर वी आर टू बाई दिस नॉट बॉश एडवांस डी एफ एस परफेक्ट देन टाटा मोटर्स ना दिस इज द वीकेस्ट उसका वीकली भी खराब है मंथली थोड़ा सा वीक हो रहा है डेली पे डाइवर्जन है वी नीड मोर कन्फर्मेशन अदरवाइज वील अवॉइड दिस एफ एम सी जी परफेक्ट जी एफ एस पे है सो so इसमें देखना है कि कौन सा स्टॉक बेटर है आई टी सी ऑलमोस्ट जी एफ एस ब्रिटानिया एडवांस जी एफ एस कोलपाल एडवांस जी एफ एस देन दैट मीन्स मेटल और एफ एम सी जी कम्स अंडर द बेस्ट सेक्टर्स फॉर आस एज ऑफ नाव आप फार्मा में जाते थोड़ा सा वहां पर डेली कंसोल्टेशन है बाकी बाकी सारे ट्रेंड्स ठीक है ना यू लुक एट रेंज शिफ्ट ऑन सिंजीन देन इपका लैब्स अभी भी एडवांस जी एफ एस पे स्ट्रॉगेस्ट स्टॉक लालपत ये हमारा जी एफ एस ट्रेड था लास्ट वीक पता है आपको हमने अपडेट भी किया था एंड वीट वेंट लाइक वेरी गुड स्विंग हाई वहाँ पे बाय सिंपल जी एफ एस ट्रेड बिल पेइंग स्ट्रैटेजी यू कैन यूज इट राइट जी एफ एस एंड लेट्स इन टू जी एफ एस और अभी भी परफेक्ट जीएफ एस पे है और कंफर्मेशन भी दे रहा है खाली एक ही चैलेंज है कि लाल वाले कैंडल पे लाल वॉल्यूम ज्यादा है सो देर माइट भी सम सेलिंग प्रेसर सो वी माइट भी कॉशियस अबाउट इट इंडिगो ये लाउड मूव और रेंज शिफ्ट के बाद हो रहा है गैप डाउन के साथ हो रहा है तो वील we'll हैल्सो देन कोरोमंडल रेन शिफ्ट के बाद है लेकिन लाल कैंडल बड़े है वॉल्यूम भी ठीक ठाक है तो वी माइट वेट फॉर अ कंफर्मेशन टी वी एस मोटर लाउड मूव के बाद लाल वॉल्यूम लाल कैंडल गैप डाउन सो इट माइट गिव अ स्मॉल बाउंस बिकॉज टेक्निकल बाउंस बोलते वो क्या बोलते हैं डेड कैट बाउंस या टेक्निकल बाउंस बैक हो सकता है सो इट कुड बी अ गुड स्विंग ट्रेड फॉर टू थ्री डेज सो वी कैन टेक दैट पॉलिसी बाजार परफेक्ट जी एफ एस ऑलरेडी मूव होना शुरू हो चुका है विथ सिक्सटी 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 देन सुजलॉन अब ये कैश वाला स्टॉक है इसमें भी आप देखोगे लास्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप है सपोर्ट पे है फोर्टी पे है वॉल्यूम ज़्यादा है वीकली मंथली बुलिश है तो ये अगर कंफर्म होता है ऊपर की तरफ तो दिस कुड बी अ गुड बाय काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि ये नीचे और बाय करे और क्योंकि ये बीस रुपये से चल रहा है सत्तर रुपये अस्सी रुपये हो गया अब वापस अगर सपोर्ट पर मिलता है तो वी कैट बाय और कैश पे तो क्या पचास शेयर भी ले सकते हो सौ शेयर भी ले सकते हो ट्राई करो छोटी टाइट टेस्टिंग द वाटर सौ शेयर पचास एक पांच राइट फर्स्ट लर्न द सिस्टम मास्टर द सिस्टम देन यू कैन मेक मनी जिलेट सुपर सपोर्ट एकदम क्लियर सपोर्ट है दो तीन स्पिनिंग टॉप बन रहे डोजीज बन रहे कैंडल वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है सपोर्ट भी है सो दिस इज अ नो ब्रेनर बट ये बड़ा स्टॉक है कुछ आठ आठ का है ना इट्स एट प्लस या एट अगर एक स्टॉक भी लोगे तो आठ हजार होता है सो स्टिल यू कैन बाय वन शेयर आल्सो इन दिस वन एफ नॉट एग्जैक्टली जी सो वी विल अवॉइड दिस नाउ लुक एट एडवांस जी एडवांस जी में वी हैव श्याम मेटल मेटल है सेक्टर स्ट्रांग स्ट्रैटजी भी स्ट्रांग है जी एफ स्ट्रांग है कि नहीं बताओ मुझे चैट में जी और एडवांस जी इज इट अ गुड स्ट्रैटजी और नॉट आई वॉन्ट सम कमेंट्स टू सी राइट आई बीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड लर्निंग सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स ऑन आर आई आई होप इट वर्क फॉर यू गाइज बॉश सिक्सटी 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 राइट ना ब्लू स्टार सिक्सटी 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 सपॉट देन लेट्स लुक एट पी सी बी एल विच इज अगेन सिक्सटी 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 राइट गुड अपॉर्चुनिटीज एलेकॉन सिक्सटी 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 ऑल दिस कैश स्टॉक्स अभी करेक्शन होता है तो यू नो वॉट द करेक्शन में क्या बाय करना चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करना चाहिए और वीक स्टॉक्स को शॉर्ट करना चाहिए राइट right? सो so, ये करेक्शन मोड चल रहा है तो ये सारे स्टॉक्स जो भाग रहे थे अब 60 पे मिल रहा है या 40 पे मिल रहा है या सीआईपी पे मिल रहा है और अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ये अपने को अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंटर करने को राइट right? सारे गामा गामाटी लुक एट दैट सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लुक एट दैट ग्रीन वॉल्यूम एंड रेड वॉल्यूम ग्रीन वाला वॉल्यूम बाइंग का वॉल्यूम कितना है सेलिंग का वॉल्यूम कितना है मतलब सेलिंग प्रेशर कुछ नहीं है प्रॉफिट बुकिंग है सो दिस कैन बिकम अ वेरी गुड स्टॉक विथ लो रिस्क टू बाय क्योंकि आपको एक ही कैंडल कर रिस्क के सामने ऊपर टारगेट काफ़ी अच्छा मिल सकता है राइट सो वंस यू अंडरस्टैंड द सिस्टम विच आई वॉन्ट टू गो इन टू दिस स्टॉक्स पहले कब स्टॉक्स में जाने के पहले और बड़ी अनाउंसमेंट या बड़ा धमाका करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डाउन ट्रेंड हुआ उसमें भी आप पैसा बना सकते हो और काफ़ी लोगों ने बनाया एंड आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू विथ सम क्विक मैसेज लेट मी शो यू दैट लेट्स गो इन टू दैट एंड शो मी शो यू द थिंक एंड वेन आई सी दिस मैसेजेस तब हमको लगता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो काम हो रहा है वो अच्छा लोग रिजल्ट पा रहे एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग दिस बिजनेस सो लेट मी जस्ट शो यू सम मैसेजेस विच इज ऑन योर स्क्रीन हमारा ग्रुप है फेसबुक ग्रुप पे वहाँ पे काफ़ी लोग पोस्ट करते हैं अलग अलग ग्रुप में सो गो डाउन यू सी टू लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड अभी थर्ड अक्टूबर को किसी ने पोस्ट किया और बैंक निफ्टी के पुट में ट्रेड किया यू कैन सी दैट डिजिट ट्रेड in nifty and Magnifty based on various candlestick pattern on daily time frame go down then we have another one congratulations so b if you are a part of this program b make sure you are there mayur one lakh nine thousand on calls though dreams do come true thank you so much go down and then we have uh, another one i got two continuous six figure trades in nifty put different strike price in the same day with expiry level one strategy थैंक्स टू ऑल मलकान जू टीम स्पेशली विशाल सर नीचे आप देख रहे हो एक लाख वो बैंक निफ्टी और निफ्टी का पुट है एक ये क्या बोलते हैं पच्चीस हजार तीन सौ और पच्चीस हजार चार सौ का पुट और आप देख रहे हो नीचे बाइंग प्राइस बत्तीस का है सेलिंग प्राइस चौप्पन का है फिर दूसरा अट्ठाइस में खरीदा छप्पन में बेचा अंदर दिक्स सिक्स फिगर मतलब लाख लाख, लाख, लाख रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हो सिंपल एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड नीचे जाओ देन वी हैव मोर लाइक अनदर सिक्सन थाउजेंड आर एस आई बेस्ट ऑप्शन सेलिंग में बाय पैसा बनाया अभी ऑप्शन सेलिंग करना मुश्किल हो जाएगा मार्जिन बढ़ जाएगा सो मेक श्योर यू डू इट विद कॉशन गो डाउन एंड वी हैव वन मोर थैंक यू विशाल जी मलकान सर सिक्सटी एट थाउजेंड फ्यूचर्स में भी हुआ एम एन एम में भी हुआ आई ई एक्स में हुआ एक लाख चौबीस हज़ार और ये तो सब ठीक है चलो हमने बात कर ली बट मैं आपको कुछ और इंस्पायर करना चाहता हूँ हमारे एक स्टूडेंट है ट्रेडन मी स्टूडेंट और वो खाली इक्कीस साल के हैं और उन्होंने रिसेंटली शॉर्ट करके सिक्स फिगर भी किया सेवन फिगर भी किया राइट और हमारा ट्रेड एंड मी का अभी आ, क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस और रजिस्ट्रेशन चालू है तो मैं आपको नीचे लिंक देता हूं जहां पे तीन फ्री वेबिनार लगे हैं जो आप देख सकते हो फ्री में और उसको आप देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दिस न्यू प्रोग्राम विच इज स्टार्टिंग वेरी सुन इट ऑलरेडी स्टार्टेड इन दिस मंथ ऑक्टोबर सो मेक श्योर यू वॉच द थ्री वेबिनार्स एक वेबिनार में पूरा माइंड सेट दूसरे वेबिनार में मैंने पूरा टॉप बॉटम स्ट्रेटेजी और तीसरे वेबिनार में प्रोग्राम में क्या है क्या करना है आपको क्या करना है मेरे को क्या करना है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है क्या इन्वेस्टमेंट है क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो सारी चीज है सो मेक श्योर यू वॉच दिस वेबिनार एंड सी वॉट द रिजल्ट प्ले दिस उनका ग्रेजुएशन हुआ है अब वो हमारे अगले प्रोग्राम है विच इज लेट्स प्ले दिस सो इंस्पायरिंग टू सी सच यंग पीपल गेटिंग दिस एज एंड सेवन फिगर ट्रेड्स सो लेट्स एन्जॉय दिसलोल

और आई गेस चैप्टर डे संडे और मंडे को अचानक गैप डाउन खुला पूरा नीचे एक बड़ा गैप डाउन था नेक्स्ट डे आई बुक 14 लाख प्लस ओके इन माय अकाउंट्स और एक बार का था मैंने शॉर्ट मार एक अलग बुक की बट इन माय पर्टिकुलर अकाउंट्स इज 14 लाख एंड देन आई वाज फील मतलब मेरा है ना ईयर के स्टार्टिंग में आई प्लान था में शॉर्ट में बड़ा क्लियर होगा वो जो डेटा आपके साथ बना है टॉप बॉटम बना सो व्हिच वी कैन द ट्रेंड कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट स्टॉक पकड़ता है from that time मैं बोल रहा था कि ऑब्वियसली मैं टेंथ फिफ्थ में मारूंगा और वो गारंटी बड़ा क्रिएट हो गया वाओ दैट्स सो ग्रेट दैट फ्रॉम दैट ईयर स्टार्टिंग आई वाज मैनिफेस्टिंग एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि ऑगस्ट में मेरा टेंथ फिफ्थ का क्रिएट होने ही वाला है और उस ट्रिप से मैं यूरोप जाने वाला हूं आई बुक माय यूरोप ट्रिप नाउ अरे वाह सुपर सुपर होल फैमिली बिकॉज़ दे बिलीव मी मैं और इसका उन्होंने मुझे ड्रॉप करवाया आई ड्रॉप माय कॉलेज 3 महीने मैंने कॉलेज ड्रॉप किया मेरे मदर सपोर्टेड मी माय फादर सपोर्टेड मी

जो ट्रेड चल रहे थे सेवन एट फिगर पीछे पीछे ये छुप छुप के जो देख रहा था उससे बहुत कुछ सीखा होगा राइट परफेक्ट परफेक्ट फैंटेस्टिक सो देखा आपने कि कैसे एक 21 साल का लड़का ट्रेड कर सकता है अगर सिस्टमेटिकली ट्रेड करे अगर पूरे पैशन के साथ ट्रेड कर सिक्स फिगर से लेके सेवन फिगर तक ट्रेड किया एंड दैट टू इन द शॉर्ट मार्केट तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए तो ही पैसा बनता है नीचे जाए तो और अच्छे से बनता है सो वंस यू नो द स्ट्रैटी वंस यू नो द सेटअप वंस यू आर डिसिप्लिन टू लर्न टेक दिस एज अ प्रोफेशन एज अ बिजनेस इसको सट्टा गैम्बल की तरह नहीं करना है इसको समझ के करना है राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड मेक श्योर यू गो एंड चेकआउट दिस फ्री वेबिनार सीरीज कोई नुकसान नहीं है आपको कुछ भरना नहीं है आप खाली जाके चेक करो कि क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो अगले एक साल के लिए तो लेट्स कंटिन्यू विद द मैस्टर माइंड लेट्स गो ऑन द कप स्टॉक्स विच इज़ फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इस पर ध्यान रखेंगे स्टार फार्मा कंपनी फार्मा स्टॉक है फार्मा सेक्टर सही है सो टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से फार्मा सही है सेक्टर मतलब एरियल व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यू के हिसाब से स्टार एक बहुत अच्छा कप पैटर्न बन सकता है और बी एफ यूटिलिटीज पावर सेक्टर वहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट दस साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट साइन एंड वी डी एल तो हमने देखा ऑलरेडी मेटल सेक्टर है और कप के ऊपर है कप के नीचे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस कर देंगे लेकिन कप के ऊपर चल गया तो दिस कैन बी नेक्स्ट आरई सी नेक्स्ट पी एफ सी नेक्स्ट टाटा मोटर्स लाइक वी हैड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो इट्स अ वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल नाउ लेट सी वेदर इट वर्कस आउट और नॉट इट डिपेंड्स वी विल पुट अवर स्टॉप लॉस एंड ट्रेड लास्ट कुछ कप्स डिस्कस किए थे अभी भी चल रहे लुपित अभी भी सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर सो फेल नहीं हुआ जुबलेंट फार्मा वो भी फेल नहीं हुआ इनफैक्ट अभी भी चल रहा है इनफैक्ट सी कर रहा है एडवांस एंजाइम्स अभी भी कप के ऊपर ही है तो कोई टेंशन नहीं है देन टी बी जेड ये कप uh, फेल हो गया मतलब एक्चुअली लास्ट मंथ ही फेल हो गया सितंबर में ही नीचे शेडो बना के आ गया और अक्टूबर में नीचे जा रहा है मतलब हमको फिर से वेट करना पड़ेगा कि फिर से ऊपर आए एक चीज़ जो बहुत अच्छी है इसमें है कि वॉल्यूम लास्ट जो तीन महीने का ग्रीन वॉल्यूम है वो मतलब वो बता रहा है कि किसी ने बहुत बड़ी क्वान्टिटी में खरीदा है लेकिन वो पैटर्न फेल हो गया या कुछ डीले हो गया जो भी है वी हैव टू वेट फॉर इट टू कम बैक एंड कन्फर्म जियोजित कन्फर्म और इनफैक्ट और भी चल रहा है अक्टूबर में जब मार्केट करेक्ट कर है ये तो और भी ऊपर जा रहा है मतलब दिस इज आउट परफॉर्मिंग राइट और ये ब्रोकिंग स्टॉक है ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे ज्यादा ब्रोकरेज कमा रहे लोग सो so मेक श्योर sure ब्रोकर ही ना कमाएं आप भी कमाओ और आप ब्रोकर के स्टॉक में ट्रेड करके ब्रोकर से ज्यादा कमाओ विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट आइडिया आई होप दैट मेक्स सेंस एंड देन शिल्पा मेडिकल फार्मा कंपनी फार्मा स्टॉक परफेक्ट अभी तक कब इंटैक्ट है पी CIP पे आया है कब फेल हो सकता है ऑलमोस्ट एक बार हो चुके वापस आ रहा है सो वी हैव टू वेट एंड सी वेदर इट वर्क्स आउट नॉट ओसवाल ग्रीन डिंट आउट शेडो नीचे आ गया फिर से वेट करना पड़ेगा कि वापस ऊपर है ये भी फाइनेंस है ये भी इन्वेस्टमेंट है सो वी हैव टू मेक श्योर वी पुट द मनी एट द राइट प्लेस एंड दोज आर द स्टॉक्स फॉर कप फॉर नेक्स्ट वीक आई होप यू एन्जॉयड दिस मास्टर माइंड विच वी डू रेगुलरली एवरी फिफ्टीन डेज फॉर ऑल ट्रेड स्टूडेंट्स सो ऑल यू ट्रेड स्टूडेंट्स मेक श्योर यू वॉच इट टेक मेक प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस ऑल दिस कॉशन अपनाना है क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी में है मंडे ट्यूजडे को क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है एंड अगर ट्रेड करना है तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वन इज दैम इज़ फार्मा वन इज दैम इज मेटल एंड थर्ड इज़ ऑल्सो एफ एम सी जी एंड फोर्थ इज द पी एस यू बैग्स राइट सो दोज आर द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कब पैटर्न ऑलरेडी आपके पास है और जी एफ आपके पास है सो so, आराम से घाई नहीं जब तक गेम समझ में नहीं आता है तब तक सीखना जारी रखो एक एक दो दो शेयर से भी ट्रेड कर सकते हो पेपर ट्रेड भी कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो और सबसे ज्यादा काम माइंडसेट पे करना पड़ेगा और कुछ नहीं स्ट्रैटेजी इज जस्ट ट्वेंटी परसेंट साइकोलॉजी इज एटी परसेंट so i hope that makes sense and soon we are going to announce some free training for you guys for mahurat for diwali special so make sure you are tuned into this channel make sure you subscribe this channel share this video with your friends and if you want to join the one-year program then the link is below check out the free webinar series and i'll see you inside the webinar thank you so much Kya sika is master class say se. learn is mastermind se. और नीचे जी एफ एस एडवांस जी एफ एस पैसा बना नहीं बना लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ क्या क्वेश्चन है क्या डाउट्स है सारी चीज़ें नीचे कमेंट्स में डालो ताकि मैं रिप्लाई कर सकूँ और उसी हिसाब से हमारे अगले वीडियो को बना सकूँ थैंक यू सो मच गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग